सर क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का, फिट हो आप? हाँ जी, तैयार हो? बाल शाल बनाए नहीं यार तूने? नहीं यार, घर से कैब पकड़ ले। अच्छा, कैब पकड़ लिया? नहीं नहीं पकड़। ये हाथ पे क्या बांधा हुआ दिखा? तू नहीं पाना भाई, तेरे पाने लगी है। चेक कराना कैसे गया? बड़ा प्यारा लग रहा है यार, कितना प्यारा। एक्टिंग ना कर, तार के दिखा कैसे है ये बच्चों के हाथ में नहीं आता ये पूरा भाई। उतार लिया है, ऐसे भी बात नहीं है। कहाँ से लिया यार ये? हमने लिया सर जद्दपुरा से जाके ले। याद होगा तुझे अपना 910 वाला हिसाब? तो चीज एक दफा पकड़ ली बस गई फिर। चलो मुझे तो याद नहीं था, अब तुमने याद करवा दिया। करा दिया जी सर। बाकी आप सब ने कमेंट में बताना है कैसा लग रहा है। अगर लग रहा है तो बस ठीक है, हमने इससे फिर ये ब्रेसलेट मेरा करवा लिया। इन मामलों में मैं गरीब हो जाता हूँ। चल मैं बाइक निकालूँ फिर, चलते हैं फिर। एक मिनट दे मैं। A few moments later, हम स्कूल के बाहर आ गए हैं। ये हमारा स्कूल है, गवर्नमेंट शहदाई APS मॉडल हाई स्कूल। यहाँ पे हमने भाई मैट्रिक किया। हमारे टीचर क्या कहते थे? जो मर्जी हो जाए आप कभी मैट्रिक कर ही नहीं सकते। तो मेरा टीचर कहता तुमने बायो एम ही रख लिया, बायो तुम्हारे बस का रोक नहीं, आर्ट्स रखो। इनको मेरा रिजल्ट कार्ड नहीं कहूँ जरा, ये मेरे कितने नंबर है भाई। हमने भाई तो ओए मेरा नंबर है, रहन दे पागल है। हम इस स्कूल के टॉपर हैं, इस वजह से रिजल्ट ही नहीं दिखा। चल यार स्कूल जाते हैं आगे, हमारा विजिट कराया जाएगा। ये देखो चंद गंदी भेड़े हैं जिन्होंने हमारी तस्वीरें उतार दी हैं। ठीक है, हम बहुत गंदी भेड़े इसकी हो रही थी तब ये बना नहीं था, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था ये स्टेडियम। ये याद है ये देखो यार 500 रुपया लिया यार, 200 रुपया लिया यार। इसको सर तो दे दिए यार, मैंने दे ही रहे कहने कि यार आपके इतने ज्यादा नंबर आ गया, बोर्ड ऑफिस रब्ता करो जाके। ठीक है, सारा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ, अपने टाइम में ये ग्राउंड फुल भरा हुआ था। अब क्लासें हैं तो ग्राउंड खाली है, फिर भी हमारे टाइम में जब क्लास होती थी ग्राउंड फिर भी भाई भरा होता था। आप कौन सी क्लास में हो? सेवन्थ। बड़े काम कितने हैं यार, हैं ड्रिल तुम्हारी ड्रिल भी ड्रिल। आपके टाइम में जो ग्राउंड आपको खाली नजर आ रहा है ना, अभी क्लासें हैं, क्लास चल रही है। हमारे टाइम में क्लास होती भी थी ना, क्लास से खाली ग्राउंड ये भरा होता था। अब तो ओए देख घास कितनी कितनी निकल आई है थला, बहुत भाई चेंजिंग हो गई है। लागी मेरा मॉडल आई वही वाला, वो देखो वो क्या बन गया पता नहीं, लोड बना दिया भाई। ये मॉडल आई लागी मेरे आसी किथे हो रहा भाई, जो अभी बोर्ड ऑफिस जाना, वो बोर्ड ऑफिस भी चले जाते हैं। बोर्ड ऑफिस जाना पड़ना भाई, उन्होंने नया चक्कर बना दिया। इसने अपना 3 घर चेंज किए हैं तो वो कह रहे हैं भाई इसमें मेरा कसूर कोई भी नहीं। कहते जी आपकी जो है कनक वो पहुंच गया, एड्रेस पर पहुंच गया, एड्रेस पर पता नहीं पहुंची या नहीं पहुंची। मैं तो भाई उनको कह रहा भाई नहीं पहुंची, वो कह रहे बोर्ड ऑफिस जाके पता करो। अब जाके क्लेम करूंगा पहले टीचर से, पढ़ते रहे जो टीचर जिन्हें कभी क्लास ही आगे पढ़ाया नहीं। अल्लाह अब्दुल रहमान तो हुन उंदा की काम है, 3-4 साल हो गए ने। जेबी भाई को माशाल्लाह यार, अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह सर असलम परवेज को जानते हो?
असलम परवेज ने भाई दूर से इतना नजर आ रहा बच्चे ने कहना व्हाइट टाइगर आ गया दौड़ो व्हाइट टाइगर आ गया बाबा ये हमारे स्कूल का ग्राउंड है ये सारा आपको दूर दूर तक जितना नजर आ रहा है ओए झंडा लगाता था पाकिस्तान का किधर गया मैं क्या कितने भी लाते हैं इन्होंने हाँ पाकिस्तानी लगा हाँ वो लगा ये जितना आपको नजर आ रहा है ये सारा मॉडल हाई स्कूल का ग्राउंड है जहाँ पे हमने अपना बचपन गुजारा तकरीबन क्यों था लाइन जी चाचा मैं तेरे नाल वट्टा मारिया मुंडे वट्टा मार के भज गया वट्टा मार के भज गया चाचा इधर गल सुन पानी पिया दे यार बड़ी गर्मी है पानी आ ही नहीं रहा यार चला यार चला इधर आ ये देख ये वो जगह सामने जो नजर आ रही है ना ये यहाँ पे हमारी असेंबली हुआ करती यहाँ पे हमारी असेंबली होती थी कबड्डी यहाँ पे खेला करते थे हम इस ग्राउंड में आगे वहाँ पे हम कबड्डी खेला करते थे इसी के साथ साथ हमारे स्कूल की यहाँ पे यादें होती हैं तमाम और हम जा रहे हैं अब हम जा रहे हैं अपने घर चलो यार ओके बॉस शुक्रिया ओके भाई जान तबीयत से ठीक है रोटी खान दे यार ना चाचे नु तंग करया यार ओके चाचा चला आ यार बोर्ड ऑफिस है ये जो है भाई यहां जो है भाई इधर तो देखो ये बोर्ड ऑफिस है ये जो है भाई से भाई को मैं वो नहीं मिली और ये मैं हूं व्हाट अब क्या कह रहे हैं यार लाई यार अजीब टेंशन है यार कभी कभी 804 कभी 304 308 में है अब कौन सा कमरा है यार अर्षद डोगर को कह रहे हैं मान डोगर का किसी को पता कमेंट में बताओ मान डोगर कौन है 300 कमरा नंबर बताना 300 क्या 310 में कौन है अर्षद नदीम अच्छा इस सबसे पहले ना हम ऊपर गए थे थर्ड फ्लोर पे थर्ड फ्लोर से वापस नीचे आए हैं सेकंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे हमने किसका किया है भाई बात सुन लेना थर्ड फ्लोर पे गए हैं हाँ। थर्ड फ्लोर पे हमें जाना था हमने मैट्रिक की सनद लेने जो भी भाई फर्स्ट टाइम आए बोर्ड ऑफिस तो थर्ड फ्लोर से आपको मिलनी है मैट्रिक की सेकंड फ्लोर पे अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर से हमें मिलनी है 209 नंबर कमरे में हम जा रहे हैं वहाँ पे सर अफसर साहब उन्हें उनसे हमें जाके मिलना है उन्होंने मैंने तिल्ला पाना है उन्होंने कहना सर्जरी सनद दे दो टाइम तो नहीं हुआ लेकिन निकलवानी उसका प्रोसीजर है आपने बैंक जाना है 6,000 रुपया फीस जमा करवानी है उसके अलावा कोई और उनके जो रोले हैं सारा कुछ वो आपने करने हैं रोलों में पढ़ोगे तो अर्जेंट सनद मिलेगी मैं क्या सर अर्जेंट हमें चाहिए नहीं हमने सनद लेके क्या करना है 80 गड़ा मुलगदा कर्जा लाना है आप इस तरह करें इजी हो गया हमें सनद बता दें टाइम किस टाइम हमने आना है हम आगे आप सनद ले लेंगे बाकी यार और इसी के साथ अभी हम आ गए इस टाइम बाहर चलते हैं यार सुबह से भाई नाश्ता नहीं किया तला ले गया हमें सुबह का निकला हुआ और सर जी अस्सलाम वालेकुम वो नहीं मिली सनद वहाँ से तो वो कह रहे हैं कि 2023 का आपका है तो 25 में मिलेगी जी 23 की है
चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एग्जिट यहाँ से है, केड़ा फैन टक्कर गया तेनू। अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड ऑफिसर जलील हो गए, बाहर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत के साथ जलील हो गए। नाइस। ऑन द वे यार वापस जा रहे हैं वो। अब हमने कहाँ पे जाना था? डाक खाने जाना है। अब हमने सनत हमारी वहाँ पे पड़ी हुई है जी। अब हमने वहाँ से जाकर बड़ी जद्दोजहद के साथ हमें मिलेगी। सुबह का नाश्ता नहीं किया यार, पेट में जो है सुबह दौड़ रहे हैं इसकी तरह के। यार अभी इस टाइम आ गए तो डाका में आ गए हैं, जो सीख लो मरी टाउन। अब आगे जाके पता करते हैं यहाँ से मिलती है नहीं मिलती है। A few moments later, कहाँ की गली जा रही है? मिलिट्री ऑफिस है, सरफिजान होंगे उनसे मिलना जा रहा है। अभी सारी बातें इनकी सुनेंगे, सारा कुछ देखेंगे। जब तक फाइनल नहीं ना पता चलता तो मिल रही है नहीं मिल रही है, चुप रहना। जब तो पता लग गया बेजन रोला पा रहे नहीं दे रहे, फिर उसका मछली में रखा कोई गई। ओह प्रैंक, वाह रे वाह, सरफेदान का था। सरफेदान है तो लाकड़ी बड़े बड़े हैं। कैमरा घूमना ऑन कर सकते हैं? वाह रे वाह, देख ओए लोग की क्या रहे हैं ये सरफेदान, व्लॉग बना रहे। अच्छा सरफेदान नहीं है, व्लॉग यूट्यूब चैनल है। यस सर। बस चला गया निकले किधर? बोर्ड ऑफिस चलने फिर से। तो नाश्ता नहीं किया? नाश्ता मैंने किया। तो मैंने भी कराना, करा दूंगा तुझे नाश्ता करा दूंगा। वहां से नाने लीम मिलती है भाई, इधर मेरी बात सुन। इधर कहां से? वहां पे भाई कोजी लीम होती है, वहां से कोजी लीम खिला दो फिर। मेरी जान तू जो कहेगा मैं तुझे खिला दूंगा, खाने पीने की टेंशन नहीं। एक दफा आ जरा। वो भाई किधर है? भाई ये व्लॉग ना आ रहे हैं। ओके भाई जान, शुक्रिया यार आपका। अब जा रहे हैं, मैं आपको लड़के को भेजता हूं उठवा कर दे। दोबारा बोर्ड ऑफिस जा रहे हैं अब। जी जी सर, चले जाएं। ठीक है, बहुत आपके गाइड का बहुत शुक्रिया यार। ओके अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस वालों को कह रहा हूँ कि यार उनको लगे कि बाकी बच्चे मेहनत कर रहे हैं और ये मुझे अब कह रहा है कि 8 बजे के निकले। मैं ये पता इतना मुझे उधर ही जा रहा हूँ, इधर से आई यार। ये दूसरी दफा भाई, थर्ड फ्लोर पे जाना है हमने भाई। इट्स द सेकंड टाइम बोर्ड ऑफिस फ्रॉम सुबह 8 बजे से 1 बज गया, चक्कर काट रहे हैं बोर्ड ऑफिस के यार। तला
जलील हो गए यार, रंग मेरा चंगा बड़ा साफ हो गया सी, फिर काला हो गया। गोजी लीम खानी खाना। ये देखो कैसे नींबू है, रस नहीं है इसमें, खाली नींबू है, खाली है, तकल्लफ किया इन्होंने बीच में रखे। अब हमें कहें, अब इनको कहेंगे ना नींबू और लेकर आओ, इन्होंने 50 रुपये उसके काट लेने। ये हम है साहब के एफ सी वाला ही है। चलो यार खाना शाना खा लो फिर। लो जी फिर से बोर्ड ऑफिस आ गए, यहाँ से हमारी एंट्रेंस है भाई। इस टाइम फुल बस हो गया यार, कोई 1-2 बज गए इस टाइम। टाइम क्या होगा, 2 बज गए तला, 2 बज गए हैं, 2 बज गए हैं। क्या लिया बबल, लिया दिखा इधर, इक्लेयर ही, इक्लेयर खाऊंगा मैं। इस टाइम ना चलने की हिम्मत नहीं है यार तला। The next day. अच्छा ये सीन कुछ इस तरह की यार, कल मेरी फ़ोन की बैटरी अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल डेड हो गई थी, जीरो हो गई थी, फ़ोन पावर ऑफ हो गया था, तो मजबूरन मैं मजीद कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका, कुछ भी नहीं मजीद हो सका। मेरे साथ जो लड़का था थला, आपने देखा था भाई, वो उसने बस हमारी कुछ तस्वीरें वगैरह ली हैं और उनको एडिट करता रहा सारा दिन। फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ज़ीरो, ना कोई उसके बाद रिकॉर्ड हुआ, ना कोई सीन हुआ। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब हम दोबारा तीसरी दफ़ा बोर्ड ऑफिस गए हैं, तकरीबन आप समझ लो कि 1.25 घंटे का सफ़र है, 45 मिनट्स का, ठीक है, बोर्ड ऑफिस जाने का मेरे घर से वहाँ तक। इधर से पहले बोर्ड ऑफिस गए हैं, वहाँ से फिर डाकखाने गए हैं, डाकखाने फिर पता चला जनाब सनद आई थी वो वापस ले गया, दोबारा फिर बोर्ड ऑफिस गए हैं, वहाँ पर फिर वो गए हैं जनाब, वो कहते हैं कि ब्रेक है, ब्रेक अभी चल रही है, 1 घंटे की ब्रेक है। वो 1 घंटा फिर हमने कैसे स्पेंड किया, सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो बस वो नाश्ता करने साथ ही आगे कोजी अलीम वाले थे, वहाँ से भाई बस नाश्ता नुश्ता खाया, कोजी अलीम खाइए, तला गया था, भूख लगी है, साथ उसको खाना खुना खिलाया, बस इसी तरह कर आगे घंटा एक हमने पूरा किया। और खाना खाने के दौरान मेरा फ़ोन पावर ऑफ। दोबारा बोर्ड ऑफिस गए हैं, थाउजेंड्स ऑफ सनद्स वहाँ पे पड़ी हुई थी, पेपर्स वहाँ पे पड़े थे, उसमें चेक किया मेरी सनद है कि नहीं यार, 10 साल की मेहनत ब्रो, 10 घंटे जलील हुए हैं 10 साल की मेहनत के लिए। जो भी सीन है उसके बाद जलील होना था वो हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन एट दी एंड हुआ क्या, हमें पता चला जनाब मेरी सनद वहाँ पे आई ही नहीं है। ये एक नया मेरे लिए एक नई मतलब समझ लो टास्क था सुनने को। वहाँ पे एक लड़की खड़ी है, बार बार मेरी तरफ देखी यार, ये मैंने आपके पैसे देने हैं, गो एंड डू योर वर्क, दैट्स इट। अच्छा जी सर कहते हैं कि जो आपकी जो सनद वापस आई है ना, उसको अभी 1 घंटा लग जाएगा, जो मेरा रोल नंबर है वो जिस टीचर के पास जाएगा, आप 1 हफ्ते बाद आना, आपको उस टीचर के पास भेजेंगे, सिंपली अपना रोल नंबर चेक करना, अपनी सनद उठाना, ले जाना घर, दैट्स इट, बात खत्म। मैं कहा ठीक है जनाब, कह रहे हैं 1 हफ्ते बाद दोबारा फिर आएंगे, चक्कर लगा लेंगे आपके पास, अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ये सारी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, सारा वाक्य सुनाया है कल का, यस्टरडे, आज का दिन, आज का क्या सीन है, आज बस घर के काम इधर उधर, बस मामला घर के देख रहे हैं, काफ़ी सिस्टम जो है घर की, काफ़ी सेटिंग हमने चेंज की है, पैरेट्स को देखना है, फ्लाइंग केज के बारे में कुछ सीन पार्ट चल रहा है, इसके अंदर चेंजेस हो रही हैं, अभी क्या हो रही हैं वो नहीं बताऊँगा। तो बस आज के लिए ही सिर्फ इतना ही, ये मेरा आज का व्लॉग था, तो व्लॉग को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और जेबी व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।